आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर, और आज के हमारे फंडामेंटल की सीरीज़ में मैं बात करने जा रही हूँ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसकी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू वेरी मच। सर, हमारा ये प्रयास रहता है कि हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार है, एक छोटी सी कोशिश है कि लोग उसको लेकर अवेयर हो। काफ़ी हफ्तों से हम इस सीरीज़ पर चल रहे हैं और आज इस तरह से हम इस पर बात कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे, इसे ब्रीफ कर दीजिए। देखिए पूजा जी, मैं आपको इस चीज़ कहूँगा, जो भारतवर्ष है, आपको पता है कि इस इतने बड़े विशाल देश को चलाने के लिए हमारा जो संविधान है, मैं ये कहूँगा कि ये हमारी एक बड़ी पायस किताब है, जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा देश चलता है जी। और आपको मालूम है कि हमारा जो संविधान है, संविधान का सबसे पहले जो प्रीएम्बल है, जिसमें वर्चुअली मैं ये कहूँगा कि हमारे इस भारतवर्ष की और हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन की आप जान आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उस प्रीएम्बल को भी अगर हम देखें भारतवर्ष के कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें भी यही लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। ये मैं प्रीएम्बल इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पर किसी एक समुदाय का नाम नहीं दिया गया है, लिखा गया है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स क्या जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल लिबर्टी ऑफ थाट, ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, इसका जिक्र हमारे प्रीएम्बल में है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो कहने की ये बात है कि हमारे भारत के जो संविधान का जो प्रीएम्बल है, उसी में बड़ी क्लैरिटी के साथ ये लिख दिया गया है कि इट विल बी ए सॉवरन सेकुलर रिपब्लिक, जिसे कहते हैं, और साथ में हर एक को एक फ्रीडम ऑफ फेथ है, बिलीफ है, जिसे कहते हैं, आपका जो भी फेथ है, आप जिसको मानते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है उसकी थाट रखने की। और फिर आगे जो आपकी आज जो आज आपका टॉपिक है, जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आप ये सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें आपको पता है भारतीय संविधान का चैप्टर थर्ड है, ये पार्ट थर्ड है, जिसमें हमारे ये बुनियादी हकूक, जिसको हम उर्दू में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स हम कहते हैं, इसमें आर्टिकल 25 है जिसे कहते हैं, और मैं जस्ट आप चाहता हूँ कि इसको वैसे ही पढ़ा जाए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरेलिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट ऑल पर्संस आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। फिर इसके बाद Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious character, providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of हिंदूज जी, ठीक है। अगर बात की जाए हमारे इस फंडामेंटल राइट्स में, जिस तरह से ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की है, तो ऐसा क्या मकसद रहा था इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष जो है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जी, और मजहब की बुनियाद के ऊपर इस देश को नहीं बनाया गया, इसे कहते हैं ये देश, इस देश को बनाने में, इसकी आज़ादी की जंग में सभी का, जिसे कहते हैं, खून जो है वो शामिल है जी। ठीक है, तो और इसीलिए जब हम इसको कहते हैं कि ये सेकुलर नेशन है, ठीक है, तो सेकुलर देश में हर एक शख्स को, जो भी भारतीय है, उसको अपना बिलीफ, अपना फेथ, अपना रिलीजन को प्रोफेस करने का ये फंडामेंटल राइट दिया गया है। ऑफ कोर्स
सब्जेक्ट टू मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर जिसे कहते हैं। अब आप देखिए कि हमारे देश में आप देखिए हर एक आदमी को अपना त्यौहार मनाने का हक है, हर एक आदमी को यहाँ पे अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाने का हक है। आप देखिए हमारे जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो यहाँ पे मस्जिदें भी हैं, यहाँ पे ज़ियारतें भी हैं, यहाँ पे गुरुद्वारे भी हैं, यहाँ पे चर्चेज भी हैं, यहाँ जैन मंदिर भी हैं, ठीक है। और हर एक शख्स को जिसे कहते हैं आप देखिए वो अपनी मर्ज़ी से अपने धर्म को जिसे कहते हैं जिस तरह भी उसका पालन करना है, जिस तरह भी हमारे जो धर्म गुरुज़ की जो टीचिंग्स हैं उनको कैसे हमने मानना है, यहाँ पे ऐसी कोई बंदिश नहीं है। बंदिश वहीं पे आएगी जब हम मोरालिटी के ख़िलाफ़ जाएंगे, पब्लिक आर्डर के ख़िलाफ़ जाएंगे। हर किसी समुदाय को ये राइट है कि वो किसी की भी पूजा कर सकता है। इनफैक्ट हमारे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हमारे देश की बात की जाए, इसकी यही खासियत है कि हम मिलजुल कर कोई भी त्यौहार हो हम सब मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो। आप पूजा जी आपने बिल्कुल सही कहा। आप देखिए हमारा जम्मू है, यहाँ का भाईचारा बड़ा मिसाली है, बिल्कुल ठीक है। आपने देखा है कि दिवाली होती है तो हमारे मुस्लिम सिख भाई अपने हिंदू भाइयों को जिसे कहते हैं मुबारकबाद पेश करते हैं, बिल्कुल। हमारे ईद होती है तो हमारे ईदगाह के बाहर हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई वो यहाँ पे आए होते हैं और हमें मुबारकबाद पेश करते हैं, गले मिल के हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह जब गुरपुर्व होता है जिसे कहते हैं तो आपने देखा है कि हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, सिख संगत को जिसे कहते हैं जो वहाँ पे अरदास कर रहे होते हैं, फिर हम वहाँ पे उनको भंडारा होता है, भंडारा भी खाते हैं, हलवा बना होता है गुरुद्वारे में। तो इसी तरह जब क्रिसमस होता है तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड ओवर में सेलिब्रेशंस होती हैं, ठीक है। ऐसे लगता है कि जैसे ये पूरे वर्ल्ड का ही त्यौहार है जिसे कहते हैं, तो ये एक खूबसूरती है जिसे कहते हैं। और आप देख लीजिए ख़ास तौर पर ये जो हिंदुस्तान है जिसे हम कहते हैं कि इसकी मिसाल इसलिए दी जाती है कि यहाँ पे आप देख लीजिए दिलीप कुमार जैसा शख्स जिसे कहते हैं उसने कितना राज किया फिल्म इंडस्ट्री में, हालांकि उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान है, ठीक है, लेकिन उनको इतनी इज्जत इस देश में मिली। मधुबाला आप देख लीजिए या जितने भी हमारे स्टार्स हैं, आज आप सलमान खान देख सकते हैं, आप दिलीप ये शाहरुख खान है, तो यहाँ पे एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इस देश में। आप अपना टैलेंट जिसे कहते हैं दिखा सकते हैं, ठीक है, दो चार छः पाँच कोई परसेंट कहीं पे जो कोई कहता है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन ऐसी कोई बात कला नहीं। की बात की जाए तो कला का कोई मज़हब नहीं, कोई मज़हब नहीं है। तो यही मैं चीज़ जो है ना मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, तो ये सारी चीज़ें ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में अगर आप देखेंगे तो ये उस टाइम फैसला किया गया था कि इस देश को सेकुलर रहना है और इस देश में हर वर्ग के आदमी को उसका जो रिलीजन है उसको प्रोफेस करने का फंडामेंटल राइट देना है। कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारे राइट्स के बारे में हमें जानकारी चाहिए, और काफ़ी अच्छा ये काफ़ी खूबसूरती मतलब कि खूबसूरती बढ़ा जैसे हमारे देश की जो खूबसूरती उसके बारे में भी हमें बतलाता है। तो क्या एक मैसेज आप सभी व्यूअर्स के लिए देना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में? देखिए मैं तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक चमन है, हिंदुस्तान एक बाग है, जिस बाग में तरह तरह के फूल जो हैं वो नेचर ने लगाए हुए हैं। इस देश को एक ऐसी माला में परो दिया गया है, उस माला में हिंदू भी है, उस माला में सिख भी है, उसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, बौद्ध हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं। और ये बाग तभी खूबसूरत लगेगा अगर इसमें अलग अलग किस्म के ये जो फूल जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जब तक सभी फूल इकट्ठे नहीं खिलेंगे तब तक जिसे मैं ये कहूँगा ये बाग खिलखिलाएगा नहीं। और इस देश को अगर उन्नति करनी है और आगे बढ़ना है, हम कहते हैं कि इसको अगर डेवलप्ड नेशन अगर बनना है, तो हमें इन तमाम कंसिडरेशन से ना जो आज हम डिस्कस करते हैं, जो आज हम चैनल्स पर लड़ाई झगड़े देखते हैं, ठीक है, जो देश में इंतजार हम देखते हैं, अगर इस देश को आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, हमें इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। और जिसे कहते हैं कि वो एक पिक्चर का गाना भी था कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा,
वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पूजा जी मुझे यही कहना। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी कीमती जानकारी देने के लिए और खूबसूरत मैसेज देने के लिए। तो आज के हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े थे सीनियर एडवोकेट शेख शकील जी। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया। उम्मीद है आपको इस मैसेज से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीर जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।